नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। राम कथा भगवत कथाओं के प्रवचन में सनातन धर्म जागृत करना है ओझा जी। मुरादाबाद में शुक्रवार को बुद्धि विहार स्थित ब्राड फैक्ट्री के निकट मैदान में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाल ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में पंडित पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा द्वितीय दिवस पर राम कथा एवं रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ शुभारंभ किया गया। वही व्यास जी के द्वारा बताया गया कि माता कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है। यदि हम अपनी आँखों से देखें तो माता कैकेयी निंदनीय है और प्रभु श्री राम की आँखों से देखें तो वो वंदनीय है, क्योंकि श्री राम जी की माता कौशल्या है, वो उनकी जननी है, परंतु राजा राम की माता कैकेयी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से राजा राम बने हैं, उन्होंने विश्व के धर्मों पर प्रकाश डाला। कथा व्यास ने बताया कि राम कथा और भगवत कथाओं का प्रवचन में व्यतीत करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके सहारे सनातन धर्म को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। इसी के उद्देश्य से राम कथाएं एवं भागवत कथा कराई जाती है। कथा विश्राम के पश्चात मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी एवं ऋतु नारंग के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजीव रस्तोगी, रतनदीप ज्वेलर्स व एडीजे द्वितीय पुनीत कुमार गुप्ता एवं उनकी पत्नी सुनीता व जिला जज कमर्शियल कोर्ट अंगद प्रसाद व आचार्य संत देवानंद श्री धाम वृंदावन और राष्ट्रपति पुरस्कृत जगदीश प्रसाद कोठारी जी रहे। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार व राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, श्रीमती अवधेश लोहिया, कुमकुम गुप्ता, नयनतारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्ष लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, ज्ञानेंद्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना आदि प्रतिभागी उपस्थित रहे। राजनीति में देखा जाए तो सरल चीज नहीं है, बहुत कठिन है साहब राजनीति में रहना। आपको अवेलेबल रहना पड़ता है, आप अपनी पत्नी को और बच्चों को समय दो न दो, पब्लिक को दे जलाए जाते हैं। संविधान उसमें कहीं ना कहीं कोई जीव जंतु या तो वो सब ठीक है, तो अग्नि की जो ज्वाला है ऊपर उठ रही है उसमें कभी कभी कोई जीव जंतु जल जाए, या यज्ञ की विधि में कुछ गलती कोई प्रमाद न्यूनातिरिक्त जो विधि है, सर्वोपविष्ट ब्राह्मणानां गणपति प्रसाद आच्च और उपविष्ट ब्राह्मणों के वचन से सब परिपूर्ण हो, वो भी हमारे यहाँ यज्ञ विधि के अंतर्गत कहते हैं, इसलिए प्रायश्चित होम करना पड़ता है। भू स्वाहा भुव स्वाहा स्व स्वाहा भूर्भुव स्व स्वाहा।